मैं ये वाले सोफे ले तो आई थी, लेकिन यार इतने गंदे लग रहे हैं, बिल्कुल ऐसे पुराने हो गए हैं, लगता है फेंक ही दो यार। प्रभु नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द व्लॉग। गला का वाट लग चुका है, पता नहीं क्या हो गया कल, इतना ज्यादा यार भसूड़ी चली लाइफ में। बाप रे, प्लान था कि रात को ही जाएंगे, फिर तक वहाँ गाड़ी पार्किंग कहाँ करेंगे, फिर तक सुबह जाएंगे, फिर हम लोग सो गए। हम लोग जब सोने लगे तो एसी ना चले, एक भी एसी ना चले किसी कमरे का, इतनी गर्मी, नींद नहीं आए। मैंने कहा और ट्रेन तो जनकपुरी चलते हैं, वहीं जाके सोएंगे। उसने कहा चलो ठीक है, काम करते हैं, एसी वाले भैया को बुलाते हैं, एसी वाले भैया चला देंगे। एसी वाले भैया आए, उनसे भी नहीं चला। हमने कहा क्या जनकपुरी जाएं, सो जाते हैं, सुबह सुबह उठ के चलेंगे। भाई साहब रात को मैं नहाया हूँ, नहा ले थोड़ा, नहाने के बाद ठीक लगेगा, सो जाएगा। जैसे ही नहाया हूँ 5 मिनट तक ठीक लगा, उसके बाद फिर गर्मी लगने लगी। वो पैर में छाला हो गया, वो हार्ली डेविडसन ना चिपक गई थी वहाँ लखनऊ में जब चढ़ा रहा था। मैंने मेरी बेवकूफी कर पहन के मैं चला रहा था, तो हल्का चला मैंने यार, यहाँ से लेके मतलब सामने तक गया हूँगा, वहाँ पे इतना बड़ा पानी का छाला हो गया। नहाने के बाद पजामा पहना, वो फट गया, उसमें दर्द हो रही है अब। तो अभी निकल रहे जनकपुरी, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे हैं। आज कोर्ट डेट है 11 बजे की, अभी बज रहा है सुबह के 5, बस जाना आना करना। सुबह सुबह आता है क्योंकि मंडे ट्रैफिक वीक हो जाएगा, सुबह सुबह खाली मिलेगा। रितु के कहा मैं चलूंगी, पता नहीं अभी कहाँ है। सबसे बड़ी दिक्कत है भाई, यहाँ पे फोन के सिग्नल नहीं आते, हम पता नहीं कैसे काम करेंगे। तेरे को तब से फोन आ रहा, फोन नहीं लग रहा, देख बिल्कुल सिग्नल नहीं आते यहाँ पे। तब से मैं फोन लगा रहा इसको, अब फोन लगा इसको जब गाड़ी में आ गई है। कोर्ट के कचहरी के चक्करों में इतने कागज लगते हैं, इतने कागज लगते हैं कि भाई आपने जिंदगी भर जो पढ़ाई की होगी ना, उससे ज्यादा कागज आपके एक छोटे से केस में लग जाएंगे। दूसरी दिक्कत ये कि आपकी जो डेट है, इतने सालों बाद 1 साल बाद डेट आ रही, 2 साल बाद डेट आ रही, तो आप भूल जाते हैं कि 2 साल पहले आपने क्या कहा था, पेपर में क्या लिखा था, फैक्ट्स क्या थे, मुझे क्यों निकाला गया था नौकरी से, चाचा मुझे खुद ही नहीं आता, चाचा मैं भूल चुका हूँ। अरे न्यू हाउस में पापा को वो तो कर दे, 4 चीजें। वैसे न्यू हाउस में पहली बारी ब्लॉग की एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है, अभी बची ऑफिस की सेटअप, जिसको करने पर मेरा कोई मोटिवेशन उतना खास है नहीं, लेकिन ये मेरा फेवरेट एरिया घर का है। देखो बालकनी मस्त है, यहाँ पे शाम होते चाय पियो, मजे आ जाते भाई। ये सोसाइटी कोविड के पहले बनना चालू हुई थी, लेकिन बनते बनते इसका अभी पार हो गया। और अब कोविड टाइम में बहुत लोगों की जॉब के फटके लगे थे, तुम्हारा भाई के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन कोविड टाइम में एक चीज तो प्रूव हो गई कि बहुत सी कंपनीज ने रियलाइज किया कि जो लोग ऑफिस आते थे ट्रैवल करके, वो उतना जरूरी है नहीं, अब कहीं से भी रिमोट प्लेस से भी काम करा सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम करा सकते हैं और इफिशियंटली करा सकते हैं। और इसका मतलब ये भी है कि आपको जॉब अगर मिलनी चाहिए तो सिर्फ आपके स्किल सेट पे बेस मिलनी चाहिए। इसका मतलब प्रूव योर स्किल्स एंड गेट योर जॉब। तो यही मंत्र है री लेवल बाय अनअकैडमी का। देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे को लाइफ में जो पसंद था मैंने वो किया। पहले मैंने इंजीनियरिंग कर ली, उसके बाद मैंने बॉडी बिल्डिंग कर ली, फिर मैं यूट्यूब पे आ गया, फिटनेस किया, फिर मैंने ब्लॉगिंग की, मैं पायलट जॉब भी की, और अब मैं लॉ कर रहा हूँ। मतलब होना चाहिए कि आपको जो पसंद है लाइफ में, जो दिल से आवाज़ आ रही है, वही करना चाहिए। एंड आई थिंक री लेवल इज द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट। री लेवल इंडिया का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपना टेस्ट देके अपने स्किल सेट प्रूव कर सकते हैं और अपनी जॉब पा सकते हैं। आपको कोई पास्ट एक्सपीरियंस दिखाने की जरूरत नहीं है, कोई रेज्यूम बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो भी है टेस्ट से पता चल जाएगा एम्प्लॉयर को कि आपको हायर करना है कि नहीं करना है। ये जॉब्स है स्विगी, ओला, क्रेड, पेटीएम और ऐसी 200 से ज्यादा कंपनियों में। अपनी जॉब या अपने फील्ड के हिसाब से आप 13 में से कोई भी टेस्ट चूज कर सकते हैं। बहुत सारे टेस्ट, रिसेंटली 3 और टेस्ट भी ऐड हुए हैं, जैसे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज के ऐड हुए हैं, डिजिटल मार्केटिंग के भी ऐड हुए हैं। किसी की वो सिफारिश की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, टेस्ट दो और निकल लो। री लेवल अपने प्लेटफॉर्म से अभी तक 16 करोड़ वर्थ के जॉब्स दे चुका कैंडिडेट्स को। सिर्फ फेब में पिछले अभी जो गया है उससे 15 लाख वर्थ के जॉब्स लगे इन द मंथ ऑफ फेब डेली। अगर आपको देखना है कि मॉक टेस्ट कैसे होता है, री लेवल पे जाइए, साइन अप करिए और वहाँ पे आप मॉक टेस्ट या सैंपल पेपर दे सकते हैं। री लेवल हर महीने प्लेस कैंडिडेट्स को गुडी बॉक्सेस भेजता है और टॉप कैंडिडेट्स को तो एप्पल के प्रोडक्ट भी मिलते हैं। तो आप इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, कंपनी किसी भी कोने में हो, आप ऑनलाइन जाके टेस्ट दीजिए और अपने आप को क्वालिफाई करवाइए वहाँ की जॉब पाने के लिए। नीचे मैं लिंक छोड़ रहा हूँ, साइन अप ऑन दी री लेवल बाय अनअकैडमी एंड एंजॉय द बेनिफिट्स नाउ। व्हाट्सअप भाई, इट इज 9 o'clock इन द मॉर्निंग। घर से आके मैं सो गया था अभी 9 बजे, 7 से 9, 2 घंटा सोया। 10 बजे मुझे निकलना हाईकोर्ट से, पहले रितु करी घर की पूजा क्योंकि किचन स्टार्ट करनी है आज। पहले हाथ जोड़ो देखो।
भाई गजब गजब। और सब गाइस अभी निकल रहे हैं हाई कोर्ट की ओर, अभी आज हाई कोर्ट में डेट है अपनी 11 बजे की, थोड़ा सा लेट चल रहा है, तबीयत मेरी खराब चल रही है, पता नहीं इतना क्या अजीब सा हो गया, पैकिंग नहीं खुली नहीं है, सामान नहीं मिल रहा घर पे। फिर तो गई है रशी के स्कूल एडमिशन कराने, शाम को एक और शूट था वो हमने कैंसिल कर दिया क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा मतलब मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा, मैं नहीं कर पाऊंगा। प्रॉब्लम बस इतनी है कि ये वाला सिग्नल खराब हो चुका है और यहाँ मच चुकी है भसड़। ये आ चुका लेफ्ट में दिल्ली हाई कोर्ट गेट नंबर 5 जाना है भाई, तो गंदा जाम लग गया, मेरे तो डेट छूट जाएगी चक्कर में यार, हेड ऑन हो गया दो साला। भाई साहब इतनी दूर यहाँ पार्किंग मिली है, कोर्ट इतना दूर है, चल के जाना है, 11 बज चुका, 11 बजे का टाइम था, पता नहीं तबीयत भी खराब है। यहाँ का काम हो चुका है हमारा हाईकोर्ट का, यहाँ कुछ एफिडेविट बनवाना था, अभी भागना है वो लेबर कोर्ट जो कि रोज एवेन्यू में, वहाँ पे ये काम नहीं हो पाता, बस इसीलिए यहाँ पे आते इतनी मगमरज, अभी वहाँ जाना भाग। जब हम लॉ की तैयारी करते थे ना तो हम लोग को ऐसा मतलब एक हमारे टीचर ने पढ़ाया था कि सुप्रीम कोर्ट एक ही इंडिया में, आपको पता ही दिल्ली में है, तो इतना बड़ा देश है, कितने करोड़ लोग हैं, सबकी प्रॉब्लम्स एक ही जगह सुनी जाती है, दिल्ली में एक ही कोर्ट में। तो बहुत बार ऐसा हुआ कि भाई सुप्रीम कोर्ट की ब्रांचेस खोल दी जाए, बेंच खोल दी जाए, चेन्नई बेंच, कोलकाता बेंच, मुंबई बेंच, बट सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने मना कर दिया, उसका क्या रीज़न है, हो सकता है उनके पास कोई सॉलिड रीज़न हो, बट सोचो हम दिल्ली के लोगों को ही दिल्ली का कोर्ट में आने में इतनी दिक्कत होती है, क्योंकि ना सेंट्रल दिल्ली है, दिस इज लाइक द हब ऑफ दिल्ली, और इतना यहाँ पे यहाँ स्पेस नहीं है भाई, तो पार्किंग वार्किंग सब बसूरी के ऊपर घुसे हुए लोग, तो मतलब अगर ऐसा बना रहे कॉम्प्लेक्स जहाँ पे पब्लिक प्लेस है तो मतलब एटलीस्ट पार्किंग की जगह हो, खुला हो, लोग आ सके, तो वो दिक्कत है। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहुँच चुके जद्दोजहद, अब यहाँ पार्किंग ढूंढने भी मसूड़ी लग रही है, मिल गई कहीं डाल दे क्या, हाँ भैया डाल दो। सो कोर्ट में आज का काम हुआ तमाम, हम लोग आज गए, जैसे मैं पहुंचा तो 19 नंबर का केस लिस्ट था हमारा, 28 नंबर का केस था, लॉयर पीछे पीछे आए रहते, हाईकोर्ट से यहाँ पे आए थे, तो आज हमें एविडेंस सबमिट करने थे जो कि हमने कर दिए, ऑल्सो फीलिंग अ लिटिल बिट बेटर, एविडेंस सबमिट काफ़ी नंबरिंग की जो होती है वहाँ की, एंड काफ़ी अच्छा लगा, मतलब जब गए तो दो पोडियम होते हैं ऐसे, रिस्पॉन्डेंट और एक में क्लेमेंट, एंड सामने जज होते हैं, दो शीशे की दीवार होती है, तो थोड़ा सा लगा कि हाँ फिल्मों में जो कोर्ट देखते हैं उससे काफ़ी अलग था, एक कमरे में छोटा सा कोर्ट था और मेरे से आगे मेरे से पीछे काफ़ी ज़्यादा लोग, मतलब मैंने देखा कि बहुत से लोग, एक कॉमन चीज़ देखी 3-4 लोगों को तो अपने सामने सुनवाई करते हुए देखा कि जो एक्चुअल वकील थे वो नहीं आ पाए तो आगे की डेट दे दीजिए, लाइक बहुत लोग आते हैं एडजर्नमेंट के लिए कि आगे की डेट, तो एक बार मुझे आता है कि एक काफ़ी ऑनरेबल जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा कि कोर्ट की डेट में फैसला इसलिए भी नहीं हो पाता, सब लोग कोर्ट को कोसते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि लॉयर आते हैं सिर्फ एडजर्नमेंट के लिए और अगली डेट लेने के लिए, अब सबकी अब बात में अपनी दिक्कत है, ऐसे हमारे केस में भी जो दूसरी पार्टी थी वो कह रही थी कि नेक्स्ट डेट दे दीजिए, जो हमारे जो ओरिजिनल लॉयर थे दूसरी पार्टी के, वो हाईकोर्ट में किसी और केस में बिजी थे तो उनकी जगह कोई और आए थे, तो उन्होंने कहा कि आई एम नॉट अवेयर अबाउट द फैक्ट्स ऑफ द केस, तो दे दीजिए, बट फिर थोड़ा बहुत सुना मैंने, एविडेंस हमने फाइल कर दिया, नेक्स्ट डेट हमें मिल चुकी है, नेक्स्ट डेट मिली है 30 मई की, और एविडेंस जब फाइल किए वहाँ पे ऑब्जेक्शन भी रिकॉर्ड हो गया, जो जो भी है अभी 30 मई को डिसाइड होगा। भाई साहब गर्मियों में पेड़ की छाँव की पार्किंग मिल जाए ना तो क्या सुकून होता है, सो शाउट आउट टू दिस पीपल ट्री, पीपल ऑफ वन, थैंक यू सो मच। तो फिलहाल घर नहीं जा रहे, अभी जा रहे अपने कॉलेज, कॉलेज में एक बुक स्टोर है वहाँ पे जाके यार 10 ईयर के ना क्वेश्चन पेपर ले आते हैं अनसॉल्व, क्योंकि अपन अब पढ़ाई तो नहीं कर सकते, जो सॉल्व पेपर है लास्ट ईयर के 10 साल के वही करके अब चले जाएंगे, उसमें से कुछ फंस गया और नहीं फंसा तो जयराम जी की। तो हम पहुंच चुके हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, यहाँ पे अभी सन्नाटा छाए क्योंकि एग्जाम्स चल रहे हैं और एग्जाम्स भी अभी ऑनलाइन चल रहे, तो पूरा कॉलेज में अभी पूरा क्या सन्नाटा चल रहा है, गाड़ियाँ किस लिए पता नहीं, आई थिंक जब ये एग्जाम्स हो जाएंगे ना इस मंथ के एंड तक या फिर मिड तक, उसके बाद चलो लोगों का इलेक्शन, तब देखना कैंपस में भाई क्या धूम रहती है अब। अरे भाई कितना भी खाली नहीं है कैंपस, इतना लगातार है बच्चे, भाई भाई भीड़ तो गजब है, हमारे कॉलेज बंद रहेगा। अरे इधर मत आओ ना इस लाइन में भाई, अरे भैया मेरा भेड़ दे घुसे, तो देखो ये भाई भी किताबें लेके जा रहा है आज। अरे दिनकर भैया, अरे किताब दे दो थोड़ी यार, पिछले साल के पेपर दे दो, है 10 ईयर्स और पेपर है वही दे दो भाई, बाकी कम से हो नहीं रहा कुछ, सारे इसमें सारे सब्जेक्ट है, बच्चे पढ़ते हैं इससे पास जाते हैं इससे, वही रिपीट होते हैं मेरे क्वेश्चन 3 साल के। प्रोफेसर कह रहा था दिनकर भाई को आइडिया कि पेपर कैसा आता है। कितने का भैया? एक पानी और एक न्यू पानी, न्यू पानी में चीनी डाल, तो चीनी चीनी वाला बना दे, सोडा बना दे, सोडा सोडा बिना चीनी का। सतीश कुमार आपका लाल बिहार, बहुत अच्छा लगा देख के यार, आप लॉ पढ़ रहे हैं, धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, ठीक है चलिए चलिए बाय बाय। पीछे भाई मिला था ना, कहता सर मैं भी LC2 में, मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई, एग्जाम की तैयारी हो गई नॉर्मल बात करके, फिर उसके पापा आए, कहते सर मैं अंदर ना चाय का स्टॉल लगाता हूँ, वही मेरा बेटा है, और मैं सुन के फट लिया, मैंने कहा क्या बात है यार, मतलब आप चाय का स्टॉल लगाते हो आपका बेटा लॉयर बन रहा है, मतलब कितनी गजब प्राउड की बात है।
मतलब गर्मी बहुत है लेकिन लग रहा है इतनी दूर आए तो सुदामा की एक चाय पीते ही चले। फसाद ही बस अब एक दूसरे को समझा रहे कि तुम इधर करो तुम उधर करो, अरे निकल जाएगी भैया निकल जाएगी, आगे बढ़ो भैया आगे बढ़ो, क्योंकि ये भैया भी समझा रहे हैं भाई निकल जाएगी, वो कह रहे नहीं निकलेगी भाई पीछे से फट जाएगी मेरी, कट करो कह रहा हूँ, हाँ सारी गणित यहीं लगा दो, इधर से कट उधर से कट पीछे से कॉस थीटा भी लगा दो, जाने दो जाने दो मस्ती, जाने जाने वहाँ से भी जान दो जान, बहुत बढ़िया ये साथ इवैल्यूएशन भी कर रहे बहुत बढ़िया, गुड गुड कम पड़ गया क्या बाट, उससे तरबूज कैलकुलेट नहीं पड़ा भाई सर, काट के दिखाएंगे क्या भैया 130 होगा ना, लो चीनी है बट आपकी जबान बहुत है भैया, काट दूँ नहीं काट तो रहे, चलो भाई अपना हो गया लंच, एक्चुअली अभी घर में फ्रिज नहीं है तो ज़्यादा सामान खरीद नहीं सकता मैं, ज़्यादा फ्रूट्स ले नहीं सकता क्योंकि यार एक फ्रूट लो वही खा लो बहुत बड़ी बात है, तुम लोग ध्यान नहीं रखते, माँ को बुआ रही माँ को ध्यान नहीं रखते, कहाँ गया वो क्या, चलो आइस चलो भाई आइस क्लोज खाओ, आइस क्लोज ओपन करूँ, अरे वाह मम्मा सोफा दे दिए कौन ले गया, इतने हम लोग सोफे उठा के लाए लखनऊ से, मम्मा ने कहा सोफे गंदे लग रहे हैं, मैंने कहा था लखनऊ में कि मत लेके चलो बेकार हो चुके फट चुके माऊ 10 बार खा चुके काले हो चुके, पर यहाँ पे आके कहती नया घर में अच्छा ही लग रहा है, तो अभी मैं सो के उठाऊँ मेरे को तबीयत तबीयत मेरी ख़राब ही लग रही है, पता नहीं क्या हो गया बिल्कुल शरीर में एनर्जी नहीं है यार, सुबह से कुछ खाया भी नहीं है भाई साहब, हालत गजब की डाउन है आज जब भी, लेकिन दिक्कत है कि पूरे घर में सिग्नल नहीं आता तो ये बालकनी में आना पड़ता मुझे, अगर एक व्हाट्सएप भी किसी को भेजना है ना, ये बच्चा और बना रही है तो ये माओ की टैबलेट होता है कितने की है 700 रुपये की दवाई है इस माओ की, आ जाओ चल दवाई खाएंगे यार, 700 रुपये की दवाई है माओ पूरी खा लियो, खोलो मुँह खोलो खोलो खोलो, तो ये हमारी सोसाइटी का लुक यहाँ से, तो यहाँ स्विमिंग पूल है जो कह रहे थे अभी चालू हो जाएगा, चालू का हुआ नहीं है, सामने बच्चे खेलते हैं, तो मैंने स्पेशली ये वाला लुक लिया कि यार यहाँ पे ना खुला खुला लगता है, एंड दिस इज़ द मेन बालकनी, तो वो एक बेडरूम की बालकनी कनेक्टेड है, ये मेरे ऑफिस की बालकनी, तो बालकनी इन लोगों ने बहुत खुली छोड़ी है, मतलब इतना मतलब एक रूम बन जाए तो रूम छोटे कर दिया, बालकनी खुली है धोके, और सामने वो है गौशाला, प्यारी प्यारी गाय रहती है वहाँ पे, तो एक दिन वहाँ जाके यहाँ पे एक दिन जाके व्लॉग जरूर बनाएंगे गौशाला का व्लॉग, बट यार फ़ोन की सिग्नल की बहुत दिक्कत है भाई, बहुत ज़्यादा दिक्कत, वाईफाई आज लग जाएगा, 2 दिन से व्लॉग अपलोड नहीं किया क्योंकि घर पे वाईफाई नहीं है और फ़ोन के सिग्नल तो 0% आज वाईफाई लगने के चांसेस हैं, आज अगर लग जाता तो लेट नाइट तक व्लॉग अपलोड कर देंगे, माओ की चेन नहीं मिल रही, माओ को घूमने का टाइम हो गया बेचारे की, मम्मी मम्मा माओ की चेन नहीं मिल रही, माओ को गोदी में ले जाए तो माओ की बीच मिल चुकी है, हम लोग अभी जा रहे हैं माओ के साथ घूमी घूमी कर रहे हैं, रश्मि भी जा रही है, फाइनली वाईफाई लगा दिया, भैया कितने दिनों से इंतजार था भैया आप आज आए हो, बताओ क्या बहुत इंतजार था आपका, अरे सर मैं टेक्निकल हूँ सेल्स में, जितनी खुशी अयोध्या में थे ना श्री राम जी के आने पे उतनी खुशी हमको भी आपके आने पे, सारे काम रुके हुए थे, ओए तुम आते ही पापा के ऑफिस में क्या कर रही हो, भग लो चलो बेटा, जितने दबे पाँव से तुम आए हो ना मुझे लग रहा कुछ गड़बड़ करके आए हो, ए रश्मि चलो भगो भग लो, काम करने दो, काम करने नहीं दे सकते, पैसा नहीं आएगा, अरे पैसा नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, फिर मैं ड्रेस कैसे लूंगी, पापा ले देंगे आप बस पढ़ाई करो, ठीक है थैंक यू जैन बाय, थैंक यू जैन बाय।